सब्सक्राइब करें मेडिकल गुरुजी चैनल को और साथ ही दबाएं बेल आइकन को ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करो। स्वागत है दोस्तों आपका मेडिकल गुरुजी के एक फ्रेश एपिसोड में। मेरा नाम है नीरव एंड ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये मशीन के बारे में। यकीन रखिए दोस्तों मेरा कि ये एक वेंटिलेटर है। क्या है, कैसे काम करता है, उसे जानने के लिए आगे ये वीडियो को अंत तक जरूर से देखिए। तो आशा रखता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। यकीन मानिए दोस्तों मेरा ये एक वेंटिलेटर है। अब आप बोलोगे यार वेंटिलेटर ऐसा होता ही नहीं है, इसमें ना कोई ट्यूबिंग है ना कोई मोड्स है, कैसे वेंटिलेटर होता था ये? दोस्तों यकीन मानिए ये एक वेंटिलेटर ही है जिसका इन्वेंशन 1832 में हुआ था। अब ये क्या था उस टाइम पे, कैसे यूज होता था, वो सारी चीज आपको मैं डिटेल में ये वीडियो में बताने वाला हूं। तो हो सके तो अंत तक जरूर से देखें। सबसे पहले दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि दो टाइप्स के वेंटिलेटर होते हैं। एक जिसमें पॉजिटिव प्रेशर होता है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, और दूसरा होता है नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन। अब अगर नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेशन है तो उस केस में ये मशीन यूज होता है। अब ये मशीन का इन्वेंशन हुआ था 1832 में। उस टाइम पे पैरालिसिस एंड पोलियो के बहुत ही ज्यादा केसेस थे मार्केट में। अब ये मशीन का इन्वेंशन हुआ था यूनाइटेड स्टेट्स में, जहां पे भी पोलियो के बहुत सारे केसेस थे। अब उस कंडीशन, अब वो जब जो कंडीशन थी उसमें पेशेंट को 2 से 3 वीक्स तक वेंटिलेटर में रखा जाता था एंड ये बहुत ही सक्सेसफुल वेंटिलेटर था। लेकिन बात यहां पे आके रुकती है कि ये अगर वेंटिलेटर है तो हमें जानना है कि ये काम कैसे करता है। अब इसके पीछे प्रिंसिपल जो है वो बहुत बहुत सिंपल है। अब उसे भी मैं आपको एक सिंपल एग्जाम्पल समझाऊंगा। मान लीजिए कि जो आप देख रहे हो कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में है, वहां पे सिलेंडर आपको दिखेगा, यहां पे स्क्वायर दिखेगा। यहां से पेशेंट का सिर बाहर आपको दिख रहा था इस तरह से, तो मान लीजिए यहां से पेशेंट का सर जो है वो बाहर आने की जगह दी गई है। यहां पे पेशेंट का सर रहेगा एंड यहां पे पूरी पेशेंट की बॉडी रहेगी। अब बेसिकली यहां पे एक वुडन का एक हैंडल दिया गया था। जब मैनुअल सबसे पहला मशीन बना था उसमें भी थोड़े बहुत एडवांसमेंट आए थे, वो भी आपको ये वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे एक हैंडल दिया गया था। अब बेसिकली ये मशीन कैसे काम करता था, अब जब हैंडल को खींचते थे हम तब अंदर प्रेशर बहुत कम हो जाता था, तो उससे क्या होता था लंग के प्रेशर में एंड आउटर प्रेशर में डिफरेंस जनरेट होता था। आउटर प्रेशर बहुत ही कम था, लंग के प्रेशर ज्यादा था, इसलिए क्या होता था कि बाहर से पेशेंट ज्यादा से ज्यादा इनहेल करता था क्योंकि अंदर प्रेशर बहुत ही कम है। तो उसे रिस्पॉन्ड करने के लिए नेचुरली जो ब्रेथ होती थी वो बहुत ज्यादा हो जाती थी, तो इनहेलेशन फेस कुछ इस तरह से होता था। जैसे ही यहां से हैंडल को पीछे की ओर खींचते हैं यहां पे अंदर की ओर चैम्बर में प्रेशर बहुत ही कम हो जाता था। उसके बाद यहां पे पेशेंट सोया हुआ है, यहां पे उसका सिर तो बाहर ही रहता है। उसके बाद जैसे ही वो हैंडल को ऐसे पुश किया जाता था तो क्या होता था, यहां पे चैम्बर जो है वो सील होता था, तो उसके अंदर प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो जाता था। तो अब आप सोचिए कि आप सोए हो, यहां से आपको बहुत ज्यादा प्रेशर फील होगा तो क्या होगा, एक्सहेलेशन, आप सांस बाहर छोड़ोगे। तो बेसिकली इस तरह से अगर उसे खींचते थे तो अंदर प्रेशर बहुत ही कम हो जाता था, उसकी वजह से नेचुरल इनहेलेशन बहुत ज्यादा होता था। जब उसको अंदर डाला जाता था तो अंदर के प्रेशर बहुत ज्यादा होने के कारण एक्सहेलेशन बहुत ही अच्छे से होता था। तो यहाँ पे ये एक नेचुरल, मतलब इसमें कोई एक्स्ट्रा चीज नहीं डाली जाती थी, लेकिन नेगेटिव प्रेशर दिया जाता था, ऊपर से एक प्रेशर दिया जाता था, इसीलिए पेशेंट जो है वो खुद से अच्छा इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कर पाता था। लेकिन हर एक मशीन में नई टेक्नोलॉजी आती ही आती है, इसी तरह से ये मशीन में भी नई टेक्नोलॉजी आई एंड बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी आई। अब आपने ये मशीन देखा, अब ये मशीन अगर यूज हो रहा है तो कंटिन्यूअसली वहां पे एक स्टाफ का होना जरूरी है क्योंकि उसे हैंडल को मूव करते रहना पड़ेगा, अगर वो नहीं करेगा तो पेशेंट को कोई भी रिलीफ नहीं मिलेगा। तो ये बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही बेसिक मशीन था, लेकिन उसके बाद उसमें एडवांसमेंट आए, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो ये उसमें एक ऑटोमेटिक वर्जन था। अब बेसिकली उसमें मशीन में प्रिंसिपल वही का वही रहा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया, लेकिन वहां पे ये सारी चीज ऑटोमेटिक हो गई। वहां पे नीचे कंट्रोलर लग गया, वहां पे आप ब्रेथ सेट कर सकते हो कि मुझे 12 ब्रेथ चाहिए, मुझे
14 चाहिए अप टू 20 ब्रेथ्स पर मिनट आप उसमें सेट कर सकते थे। अब यहाँ पे 12 टू 20 का सेटिंग आप कर सकते हो। ऊपर की ओर वहां पे एक गेज दिया गया था जहां पे आप प्रेशर चेक कर सकते हो। बाकी का स्ट्रक्चर वैसे का वैसा, लेकिन वहां पे बीच में एक होल भी दिया गया था ताकि अगर ड्यूरिंग द प्रोसीजर पेशेंट को कुछ ऑपरेट करना है, पेशेंट को कुछ ट्रीटमेंट देनी है, कोई इंजेक्शन देना है तो वहां से वो दे सके। और ऊपर की ओर जहां पे सिर होता है वहां पे एक मेटल की शीट भी रखी जाती है ताकि अगर उन्हें आउटर एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है वो देखना है तो वो देख सके, क्योंकि वहां पे पेशेंट्स को तकरीबन 2 to 3 weeks तक रखा जाता था और वहां पे अगर वो बुक्स भी पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ये वेंटिलेटर था उस टाइम पे एंड यूज होता था। ये अभी भी आपको अगर मानने में नहीं आता है तो आप गूगल कर सकते हो, ये वेंटिलेटर था एंड है भी, अभी भी कुछ लोग इसका यूज कर रहे हैं। मैं पिछले 4 साल से इंडस्ट्री में था, मैंने कभी भी कोई भी हॉस्पिटल में ये वेंटिलेटर को नहीं देखा है, क्योंकि अभी हमारे पास मैकेनिकल वेंटिलेटर्स अवेलेबल है जो बहुत ही अच्छा काम करता है, लेकिन उस टाइम पे ये वेंटिलेटर ने बहुत ही अच्छा काम किया था। ये है एक नेगेटिव प्रेशर वेंटिलेटर जिसे कहा जाता था आयरन लंग। अब आप में से काफी सारे लोगों को ये बहुत ही अच्छी टेक्नोलॉजी, बहुत ही अच्छे वेंटिलेटर के बारे में नहीं पता होगा, तो मैंने सोचा आपको ये वीडियो बना के समझाना ही चाहिए। आशा रखता हूँ मैंने आपको ठीक से समझाया है, मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स से आपको समझाया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मेरा फेसबुक पेज लाइक करके वहां पे मुझे पिन कर सकते हो अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरी चैनल को और साथ ही दबाइए बेल आइकन को ताकि आने वाले कोई भी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिस ना करो। दोस्तों यहाँ पे लोगों को लैक ऑफ अवेयरनेस होती है, ये वीडियो को अगर आप शेयर करोगे तो ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचेगा, लोगों को समझ आएगी कि हाँ 1832 में ऐसा भी कोई वेंटिलेटर था एंड ये इस तरह से काम करता था। तो शेयर कीजिए फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, सारे सोशल मीडिया नेटवर्क्स पे। अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना है तो सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जल्दी एक फ्रेश कॉन्टेंट के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।